नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सना मरीन, जो कि अपनी ब्यूटी के लिए भी जानी जाती हैं और एक बहुत ही यंग प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्होंने ऑफिस छोड़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने पति से तलाक लेने जा रही हैं, जिसकी अर्जी उन्होंने डाल दी है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो दोनों पति पत्नी म्यूचुअली ये डाइवोर्स लेने जा रहे हैं। इन लोगों का 19 साल का ये रिश्ता था, जिसमें एक 5 साल की बेटी भी है इन दोनों की, लेकिन दोनों म्यूचुअली मतलब अपनी सहमति से, आपसी सहमति से अलग होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने पार्टनर की एक अच्छी दोस्त हमेशा रहेंगी और उनसे उनके साथ टाइम भी स्पेंड करेंगी और उनसे मिलना मिलाना चलता रहेगा, लेकिन इसमें उन दोनों के बीच में कोई आपसी विवाद या आपसी डिस्प्यूट अभी तक कोई सामने नहीं आए हैं, क्योंकि दोनों म्यूचुअली ये डाइवोर्स लेने जा रहे हैं और अच्छे दोस्त के तौर पर आगे रहेंगे भी। 37 साल की सना मरीन 2019 में दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री रही हैं और सबसे ज़्यादा चाहने वाली प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। सना ने अपने देश को नाटो में भी शामिल करवाया था, जो कि बहुत ही तारीफ की एक बात है। वो फिनलैंड में सबसे ज़्यादा लोगों के लिए लोकप्रिय रही, क्योंकि उनकी बात, वो हमेशा लोगों की बात सुनती थी, समझती थी और फिर कोई आगे की चर्चा होती थी। लेकिन एक दौर फिर ऐसा आया कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। अब हुआ कुछ ऐसा कि 2022 में वो एक पार्टी में शामिल थी, जिसकी वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगी। शायद आपने भी देखी होगी, उसके कुछ स्क्रीनशॉट हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। 2022 में वो एक पार्टी में डांस कर रही थी या कुछ इस तरीके का वीडियो था, जिसके बाद उन्हें अपना ड्रग टेस्ट भी कराना पड़ा और इस चीज़ की रिपोर्ट उन्हें सबमिट करानी पड़ी। लेकिन ये विवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, जिसके बाद उन्होंने ऑफिशियली अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये वीडियो काफ़ी टाइम से वायरल हो रही थी, जिसके चलते उनके देश में बहुत ज़्यादा विवाद होने लगा था, लेकिन अपने अधिकारों के लिए उन्होंने अपना बचाव किया कि ये मेरी एक पर्सनल लाइफ है, इसको प्रोफेशनल लाइफ से ना जोड़ा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोई एक विवाद जब दूर तक चला जाता है और वो एक मुद्दा बन जाता है इस चीज़ का, कि क्या हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो पार्टीज़ में जा रहा हो या ऐसी पार्टीज़ कर रहा हो, तो इस तरीके का ये एक मुद्दा बन गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी सहमति से इस पद से इस्तीफा दे दिया था।